भोपाल पहुंचे राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया विधायक कृष्णा गौर के घर पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस घर से मेरा नाता बहुत पुराना है, जब जब भोपाल आया मैं यहां आया हूं। इस दौरान उन्होंने बाबूलाल गौर को भी याद किया, साथ ही विधायक कृष्णा गौर की उपचुनाव में भूमिका को लेकर तारीफ की। उपचुनाव में जीत के लिए जनता को धन्यवाद देते हुए सिंधिया ने कहा कि प्रदेश के विकास और प्रगति को लेकर अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। कृषि बिल पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि पीएम ने तीनों कृषि बिल से किसानों को स्वतंत्र किया है, जो किसानों के लिए क्रांतिकारी है। उन्होंने विरोधियों को भी जवाब दिया है। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर सिंधिया ने कहा कि ये तो कांग्रेस से ही पूछिए, मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो दूसरों पर टिप्पणी करूं। हो गए हैं, जनता का नतीजा सर माथे है। धन्यवाद आपके द्वारा मध्य प्रदेश की जनता को भी मैं देना चाहता हूं। अब जिम्मेदारी हम लोगों की है, विकास की और प्रगति की, और उस विकास और प्रगति की जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से हम लोग निभाएंगे। जब जब मैं भोपाल में आता था प्रणाम करने के लिए इस घर में सदैव मैं उपस्थित रहता था। आज वो महान शख्सियत हमारे समक्ष में नहीं है, बाबूलाल जी के रूप में, लेकिन कृष्णा जी ने वो जो बीड़ा उठाई है और पूर्ण रूप से बाबूलाल गौर जी के स्मृति में पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ कार्य करने का एक संकल्प लिया। तीनों विधेयक का विषय है जो आज नियम बन चुके हैं, ये सारे तीन विधेयक एक ऐसे समय में जब किसानों को एक नई स्वतंत्रता दी गई है, किसी भी क्षेत्र में अपनी बिक्री करने का पूर्ण स्वतंत्रता हर उद्योग को और हर व्यक्ति को होता था। केवल कृषि के क्षेत्र में वो पाबंदी लगी हुई थी और उस जंजीरों को मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने चूर चूर करके अलग कर दिया है और किसानों को पूर्ण स्वतंत्रता दिलवाया है।